आज फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत सा बूटी बनाएंगे, जिसे पैच, एप्लिक बूटी बहुत ही नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और ये बहुत ही सस्ते प्राइस में बनाएंगे, घर का ही सामान से बनाएंगे। जब मार्केट में हम लोग इसे ख़रीदने जाते हैं तो कम से कम दो पीस का ही पड़ जाता है इसका रेट, 150-160, पर आज घर का सामान से ही बनाएंगे। तो मैंने सबसे पहले ले रखी हूँ बुकरम, और ये मैंने एक डिज़ाइन का सेप मैंने पीस बोर्ड में कट कर लिए हैं। और मुझे चाहिए इस तरह का डेंड्राइट, आप लोग कुछ भी ग्लू ले सकते हैं, और मैंने एक फैब्रिक ग्लू लिए हैं, और इस तरह का मैंने लेस मुझे चाहिए जो कि मैंने इस तरह से कट करके लिए हैं। और इसके साथ मैंने लिए हैं बॉल चेन, जो कि आप लोग आर्ट वर्क का जो दुकान होता है, शॉप होता है, वहाँ मिल जाएंगे। स्टोन चेन और बॉल चेन मैंने ले रखी हैं, और इन्हीं के ही सामान से मैं आज ये बूटी बनाकर तैयार करूँगी। और इस तरह का फैब्रिक भी चाहिए, आपके पास जिस तरह का भी फैब्रिक है आप ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल रेखाज क्रिएटिविटी आइडियाज़ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक पीस बोर्ड का लिप शेप कट करके ले रखी हूँ, और इसे मुझे बुकरम के ऊपर रखते हुए मैं पेंसिल से ड्राइंग करनी है। ड्राइंग करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। आप लोग कुछ दूसरे तरह का भी शेप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मेरे जो फ्रेंड्स लोग पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख चुके हैं, उन लोगों को बहुत 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 बड़ा थैंक यू सो मच। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल इस तरह से बुकरम को कट कर लिए हैं, और मैं ढेर सारा बूटी बनाऊंगी इस तरीके से। और अब मुझे लेनी है जो लेस है, लेस को भी मैंने लिप के शेप में इसे निकाल कर कट कर लेनी है। और इस तरह का बूटी से हम लोग बहुत सारा सामान बना सकते हैं, ठाकुर जी का तो ड्रेस बना ही सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होते हैं। और इसके अलावा आप अपने बच्चों का फ्रॉक में, टेबल क्लॉथ में, रनर में भी आप लोग इस तरह का पैच लगा सकते हैं। ठाकुर जी का आसन में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और जो साइड का जो फैब्रिक निकला हुआ है उसे मैं कट करके, बिल्कुल देखिए लग ही नहीं रहे हैं कि मैंने लेस से इसे कट किया है। और अब मुझे ये फैब्रिक लेनी है, तो फैब्रिक को मैंने उल्टे तरफ से ले रही हूँ, और इसमें मैंने फैब्रिक ग्लू लगा रखी है। और फैब्रिक ग्लू को मैंने पूरे सीट में लगानी है बढ़िया से, और ज़रा सा मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी बहुत ही हल्का, 5 मिनट के लिए। और उल्टे तरफ का फैब्रिक में मैं इस तरह से इसे बढ़िया से अटैच करनी है। ये बुकरम का जो लिप मैंने कट किए हैं उसे मैंने बढ़िया से सेट करके करीब 10-15 मिनट इस तरह से रख दूँगी, तो बढ़िया से सूख जाएंगे। और उसके बाद इस तरीके से कट कर लेनी है, पूरे लिप को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और देखिए कितना सुंदर ये बनकर तैयार हुए हैं। और अब मुझे इसमें ये लेस यहाँ पर चिपकानी है, तो लेस को चिपकाने के लिए मैंने फिर से फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ, आप लोग कोई और भी ग्लू ले सकते हैं। और बिल्कुल सेंटर में इसे रखते हुए इस लेस को मैं यहाँ पर मुझे इसे चिपकानी है, और इसे भी मैं करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी चिपकने के लिए, मैं इससे ज़्यादा रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। मैं इस तरह से ढेर सारा बूटी मुझे बनानी है, और ये देखिए सूख चुके हैं। तो अब मुझे इसमें बॉल चेन और स्टोन चेन मैं चिपकाऊँगी, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ डेंड्राइट। और डेंड्राइट को मैं यहाँ पर साइड में इस तरह से लगानी है, और लगाने के बाद यहाँ पर मैं बॉल चेन लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो पर्ल भी लगा सकते हैं, इससे भी मैं बड़े बॉल चेन लगा सकते हैं, गोल्डन
बड़े बॉल चेन लगा सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप लोग को जैसा पसंद हो या घर में हम लोग का जैसा सामान रहते हैं, मैं उसी तरह से, मेरे पास इस तरह का चेन था तो और स्टोन चेन था तो मैं इसी से बना रही हूँ। और मैंने डेंड्राइट लगाया है तो बिल्कुल साथ साथ ही चिपक जाते हैं। और यहाँ पर मैं कट कर दूँगी और कट करने के बाद बिल्कुल इस तरह से बॉल चेन लगाने के बाद इस तरह से लग रहे हैं। और अब इस तरह से सभी बूटे को मैं बॉल चेन लगा रखी हूँ। और अब इसके बाद मैं मुझे लगानी है स्टोन चेन, तो स्टोन चेन को भी मैं सेम तरीके से ही लगाऊंगी, डेंड्राइट लगाऊंगी पर बॉल चेन से ज़रा सा गैप देते हुए, ये जो लेस है और बॉल चेन के गैप देते हुए मैं यहाँ पर स्टोन चेन को यहाँ पर चिपका रही हूँ। और इस तरह से मेरे बूटे बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द बन जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनते हैं और मुझे तो बहुत ही पसंद आए हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ज़रा भी पसंद आए, आप लोगों को अगर ज़रा भी हेल्प मिले तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।